नमस्कार दोस्तों, आज है 19 दिसंबर और आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एंटोनी वेस्ट IPO के ऊपर। तो ये एक डिटेल IPO रिव्यू होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इस IPO डिटेल्स को देखा जाए तो हमें ये IPO मंडे 21 दिसंबर को लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि आपको वेडनेसडे 23 दिसंबर को 5 बजे यहाँ पे क्लोज होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अगर इसमें आपको कोई अलॉटमेंट होती है तो आपको इसके बारे में 29 दिसंबर को यहाँ पे पता चलने वाला है, और अगर आपको कोई अलॉटमेंट नहीं होती तो उसके बदले आपको रिफंड नेक्स्ट डे 30 दिसंबर को यहाँ पे इश्यू किया जाने वाला है। और यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग आपको 1 जनवरी से दोनों ही एक्सचेंजेस में देखने को मिल सकता है। अगर इशू के ऊपर बात किया जाए तो ये इशू अराउंड 300 करोड़ का होने वाला है, और इस शेयर का जो फेस वैल्यू रखा गया है वो है 5 रुपी पर शेयर का, और इसमें प्राइस बैंड 313 से लेके 315 के बीच अभी के लिए सेट किया गया है। और अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको पर लॉट के बेसिस पे अराउंड 47 शेयर्स के लिए यहाँ पे अपने बिड प्लेस करने होंगे। और अगर आप 315 पे अपना कट ऑफ यहाँ पे सेट करते हैं तो आपको पर लॉट यहाँ पे 14,805 रुपी तक यहाँ पे स्पेंड करने पड़ सकते हैं। और अगर ये IPO ओवरसब्सक्राइब होता है और ये अपने कट ऑफ प्राइस पे मार्केट में लिस्ट होता है तो आपको यहाँ पे इसकी मार्केट कैप यहाँ पे 891 करोड़ तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर इशू के ब्रेकअप को देखा जाए तो यहाँ पे QIB पोर्शन में अराउंड 15% यहाँ पे इसे रिजर्व किया गया है, जबकि हम NII सेगमेंट में यहाँ पे अराउंड 15% शेयर्स को यहाँ पे इसे रिजर्व होता हुआ देख सकते हैं। जबकि रिटेल कैटेगरी में आपके लिए एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 35% तक रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्व किया गया है। और जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं, QIB पोर्शन में कंपनी ने अभी से अराउंड 60% शेयर्स यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स के लिए इशू कर दिया है। तो ये अगर 300 करोड़ का IPO है तो उसका 50% अराउंड 150 करोड़ यहाँ पे QIB के लिए यहाँ पे इशू किया जाने वाला है, जिसमें से 60% अराउंड 90 करोड़ शेयर्स अभी से यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स को इश्यू किया जा चुका है। अगर आप एंकर इन्वेस्टर्स को यहाँ पे डिटेल में देखना चाहें तो इसमें आपको सरप्राइजिंगली यहाँ पे MIT का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और इसके नीचे हम 238 प्लान एसोसिएट्स LLC जो कि एक फॉरेन बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी है, तो इन दो कॉर्पोरेट बॉडीज का मिलाते हुए अराउंड 55% स्टेक हम QIB पोर्शन में यहाँ पे अभी से देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफी प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। इसके बदले हम इंडियन कॉर्पोरेट बॉडीज में यहाँ पे टाटा AIG और SBI म्यूचुअल फंड के काफी सारे प्लान्स का यहाँ पे नाम को देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए कंपनी प्रोफाइल के बारे में तो ये वन ऑफ द टॉप 5 इंडियन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फर्म है, जो कि काम करती है सॉलिड वेस्ट कलेक्शन के ऊपर, और ये ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल सर्विसेज के ऊपर भी यहाँ पे काम कर सकती है। ये ऐसी इकलौती कंपनी है जिसकी सिंगल लोकेशन पे यहाँ पे इतनी बड़ी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, जो कि एशिया में यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे बोला जा सकता है। और ये पर डे अराउंड 6,500 टन का जो कैपेसिटी है उसे हैंडल करने में यहाँ पे कामयाब होती है। तो अगर आप दूसरे प्लेयर्स के ऊपर इसे कंपेयर करना चाहें तो ये बोथ कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल और लैंडफिल सेगमेंट में यहाँ पे काम करती है। इसके अलावा यहाँ पे रैमकी इनविरो इंजीनियर्स और BVG इन तीनों ही सेगमेंट्स में यहाँ पे काम करती है। और अगर हम फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स को देखें तो यहाँ पे कंपनी वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन के ऊपर भी यहाँ पे काम करती है। इसकी वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, जो कि 4,000 टन्स पर डे के हिसाब से यहाँ पे देखा जा सकता है, और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को अभी के लिए 0.5 मेगावाट पे देखा जा सकता है, जो कि आगे हमें और भी ज्यादा इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को यहाँ पे सच माने तो यहाँ पे अभी कंपनी के पास 1147 व्हीकल्स हैं, जिसमें से अराउंड 969 व्हीकल्स में यहाँ पे GPS ट्रैकर्स लगे हुए हैं, और कंपनीज के पास यहाँ पे 7,391 एम्प्लॉयज हैं, जो कि यहाँ पे आज तक 25 प्रोजेक्ट से भी ज्यादा हैंडल कर चुके हैं, और इसमें से अभी यहाँ पे 18 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे करंटली ऑनगोइंग है, जिसके बारे में हम आपके साथ एक डिटेल रिपोर्ट आगे जाके शेयर करेंगे। अगर देखा जाए इसके ऑफर ऑब्जेक्टिव्स को तो यहाँ पे कंपनी का एक प्लांट है जो कि पुणे के पास है, और वो है पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लांट, और वहाँ पे वेस्ट गैस टू एनर्जी कन्वर्जन के लिए ये अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और उसके लिए कंपनी जो
फ्रेश शेयर इशू करने वाली है जो कि अराउंड 85 करोड़ का होने वाला है, उसमें से अराउंड 40 करोड़ वो इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे स्पेंड करना चाहती है। और आगे जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपने कंसोलिडेटेड बोरोइंग्स को यानी कि अपने ऊपर जो कर्जा है उसे अपने एक सब्सिडियरी को यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहती है, जिसके लिए ये अराउंड 38.5 करोड़ यहाँ पे आगे स्पेंड करने वाली है। और दूसरे कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये अराउंड 6-7 करोड़ यहाँ पे आगे स्पेंड कर सकती है। तो ऐसे ये टोटल 85 करोड़ जो कि ये फ्रेश इशू के जरिए हासिल करेगी उसे यहाँ पे यूज करने वाली है। अगर बात करें इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स के बारे में, तो ये इंडिया में वन ऑफ द टॉप म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर्म में से एक है, जिसके पास यहाँ पे एंड टू एंड कैपेबिलिटी है जो कि आगे जाके कंपनी को और भी ज्यादा एक प्रोमिनेंट प्लेयर यहाँ पे बना सकती है। कंपनी का यहाँ पे 19 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे जनवरी 2001 में यहाँ पे काम कर रही है। इसकी बिजनेस मॉडल के बारे में अगर हम बात करें, तो ये एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल पे काम करती है, जिसके चलते आगे इसके रेवेन्यू में आपको थोड़ी सी अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ये यहाँ पे अपने व्हीकल में लगे हुए GPS ट्रैकर और अपने टेक्नोलॉजी की मदद से आगे और भी ज्यादा एफिशिएंटली काम करने वाली है। और ये अपने एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम की मदद से यहाँ पे अपने डोमेन एक्सपर्टीज को आगे जाके और भी ज्यादा एक्सपेंड कर सकती है। और अभी हम बात करेंगे इसके फिनेंशियल्स के ऊपर, जो कि मेरा एक फेवरेट पार्ट है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे पिछले 2-3 सालों में इसके इक्विटी शेयर कैपिटल में हमें एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है। 2018 में ये अराउंड 1.31 करोड़ पे हमें देखने को मिल रहा था, जिसे यहाँ पे 2020 के फिनेंशियल ईयर में अराउंड 12.79 करोड़ तक यहाँ पे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। और अगर देखा जाए कंपनी के रिजर्व्स को, तो यहाँ पे कंपनी ने काफी अच्छी तरीके से अपने रिजर्व्स को यहाँ पे हैंडल किया हुआ है। ये 2008 में अराउंड 1.51 करोड़ था, जिसे करंटली इस साल सितंबर 30 को 217 करोड़ के ऊपर यहाँ पे देखा जा सकता है। कंपनी का नेटवर्थ यहाँ पे पिछले 3 सालों में काफी ज्यादा बढ़ा है, जो कि 120 करोड़ से बढ़ते हुए इसे 230 करोड़ के करीबन यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ पे कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेट है उसमें थोड़ी सी गिरावट हमें इस साल देखने को मिला है। 2020 मार्च के वक्त ये अराउंड 145 करोड़ पे था, जो कि करंटली इसे अराउंड 130 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखा जा सकता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को ऑलमोस्ट यहाँ पे एक फ्लैट ट्रेंड के दौरान हम कांस्टेंट देख सकते हैं, जबकि रेवेन्यू के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक फ्लैट ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। साल 2020 के फाइनेंशियल ईयर में ये अराउंड 450 करोड़ के करीब था, जिसके बाद हम अगले 6 महीनों में इसे 207 करोड़ के करीब यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर EBITDA के ऊपर देखा जाए, तो हमें लॉकडाउन के चलते इसमें एक शार्प फॉल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में अराउंड 139 करोड़ के ऊपर था, वो अगले 6 महीनों में हमें 60 करोड़ के भी नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर EBITDA मार्जिन के ऊपर यहाँ पे देखा जाए, तो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पे एक रेड फ्लैग की तरह हमारे लिए साबित हो सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखा जाए, तो यहाँ पे भी आपको एक फ्लैट ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं दिखाई देता। और अगर इसके EPS को अगर हम यहाँ पे 6 महीनों के लास्ट रिपोर्टेड EPS को देखते हैं, तो इसमें भी आपको मोर देन 50% का एक फॉल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये 27 रुपी के ऊपर था, जो कि हमें H1 FY 21 में अराउंड 7.68 के करीब हमें देखने को मिल जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बेसिस पे अगर हम इसे देखते हैं, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2020 में अराउंड 20% पे देखा जा सकता है, जो कि अगले 6 महीनों में हम इसे गिरते हुए 8.5% के करीब हम यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का जो नेट एसेट वैल्यू है उसमें भी एक शार्प डिक्लाइन को देखा गया है, जो कि 136 करोड़ से यहाँ पे घटते हुए अभी अराउंड 90 करोड़ के करीबन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो में यहाँ पे एक मार्जिनल डिक्लाइन को यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एक इंप्रूवमेंट की तरह यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद अगर कंपनी के कुछ की बिजनेस स्ट्रैटेजीज को अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे ये आगे जाके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकती है, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट आगे जाके काफी बड़ा सेगमेंट होने वाला है। तो इससे जो रेवेन्यू के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, उससे कंपनी का रेवेन्यू हमें मल्टीफोल्ड इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद कंपनी अपना जो जियोग्राफिकल फुटप्रिंट है उसे भी बढ़ाना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरे कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए यहाँ पे ये वेस्ट हैंडलिंग का काम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे लेना चाहती है।
और अगर हम बात करें यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट को एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरह यूज करने में, तो ये भी कंपनी का एक मेजर फोकस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट और गैस से आगे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के बारे में प्लान कर रही है, और अपना जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसे भी कंपनी यहाँ पे और भी ज़्यादा एनहांस करने के बारे में सोच रही है। तो ऐसे कुछ की स्ट्रैटेजीज हैं जिसके ऊपर अभी कंपनी काम कर रही है। तो इन सब के बाद अगर बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 170 के पार यहाँ पे जा चुका है, जो कि यहाँ पे 50% के ऊपर हमें अभी के लिए दिखाई देता है। इतने शॉर्ट नोटिस पे इसने जब अपना आईपीओ के बारे में मार्केट में अनाउंस किया है, तब से इतना बड़ा जीएमपी में अपसाइड यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग हमें दिखाई देता है। तो अभी के लिए आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, और इसमें अपना बिट एक लॉट के लिए कम से कम अपने एक पैन नंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आईपीओ रिटेल कैटेगरी में काफी कम यहाँ पे अलॉट होने वाला है, क्योंकि आईपीओ की टोटल साइज 300 करोड़ है, और उसमें से 35% यानी अराउंड 100 करोड़ के करीबन आपको रिटेल पोर्शन में यहाँ पे अलॉट होता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो आपको अराउंड 100 से 150 टाइम्स ये आईपीओ ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से काफी ऊपर यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप इस आईपीओ में अपना बिड जरूर प्लेस करें, क्योंकि ये आईपीओ आगे जाके आपको एक मल्टीवैगर रिटर्न जनरेट करने में आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें और दूसरों के साथ इसे जरूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें। और इन केस अगर आप अपने लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहें और मेरे पोटेंशियल मल्टीबैगर्स और स्विंग ट्रेड्स के बारे में जानना चाहें, तो नीचे आपको मेरा टेलीग्राम प्रोफाइल लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से आप उस सर्विस का फायदा जाके उठा सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।